यार सब्सक्राइब करो ना ऑल राइट को। पापा अभी भी सब दोस्त हकला पेटीज बुलाते हैं। बेटा वो चिढ़ाते हैं तो तुम भी चिढ़ा दिया करो। आप बस मिर्ची खिलाओ। 8,808 मिर्ची खा चुका हूँ आपके चक्कर में। नहीं सही हो रहा पापा, बताओ ना क्या करूँ। बेटा सब कुछ मिर्ची और भगवान पे छोड़ दे, सब सही हो जाएगा। घंटा कुछ सही नहीं हुआ। हकलाने की प्रॉब्लम ने तो मुझे ऐसे गले लगा रखा था जैसे अमित शाह को मोदी जी ने। अबे हिम्मत कर, बैठ जा। इतनी फटती क्यों है तेरी? क्या भैया लेट करा दिया? हाँ तो जल्दी बाबा बैठ जाओ ना, वरना और लल्ला लेट हो जाओगे। आ जाओ आ जाओ। भैया मुंह चलाने की जगह ना सिर्फ गाड़ी चलाइए। थैंक्स। बेटा तू रेटिंग मांग, तुझे तो इतने स्टार दूंगा ना कि तेरे सितारे गर्दिश में आ जाएंगे। साइड में क्यों नहीं बैठा? पीछे भी तो बैठ सकता था। अब तक तो पक्का पता चल गया होगा इसे कि इंजीनियर हूँ, वो भी मैकेनिकल। बेचारा पक्का होपलेस हो गया होगा। एक सेकंड, ये मेरी तरफ देख रहा है क्या? आईलाइनर तो ऑन पॉइंट है, अब बुक पढ़ते हुए बाहर देखते हो। एकदम पैशनेट थिंकर लगूंगी। पैशनेट थिंकर लग रही है। यू विल रीच योर डेस्टिनेशन इन 5 मिनट्स। ओ शिट, नाम पूछता हूँ। हाँ नाम पूछता हूँ। इतना नर्वस लग रहा है, कहीं कोलैप्स ही ना हो जाए। नहीं हो पाएगा। लड़की से इंटरेक्ट करना मतलब इंजीनियरिंग मैथ्स का पेपर क्लियर करना, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। इम्पॉसिबल है यार। नमस्कार मेरे सुनने वालों, दिल से सलाम कर रहा हूँ आपको। मेरा नाम है आरजे लव, और आज न दिल कहीं लग गया, दिल लग गया है अजनबी के साथ। तो अगर आपसे भी आज कोई अनजान रास्ते में टकराया है ना, तो हैपन के जरिए वो आपसे फिर मिल जाए या आप उससे फिर मिल ले। प्रोफाइल लाइक करूं? नहीं, ज्यादा हो जाएगा। अगर फिर मिले ना, देन इट्स अ साइन, तब करूंगी। तो अगर आप भी पहली मुलाकात में यकीन रखते हैं तो ये खास आपके लिए है कि ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। तुम भी खुल जाओगे 2-4 मुलाकातों में। तुमसे सदियों की वफाओं का कोई नाता था, तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में। क्या लिखते हैं सईद रहीम साहब, इसे भी पोइट्री आती है क्या? एंजॉय तो कर ही रहे। यू विल रीच योर डेस्टिनेशन इन 2 मिनट्स। क्या 2 मिनट? यार कुछ तो पूछ, कुछ तो बोल। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सफर खत्म हो चुका है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो ना हो ये किसी नए सफर की शुरुआत है। इस बार तो सीधा ही पीछे आके बैठ गया, आज तो बड़ी डेयरिंग दिखा रहा है। एथनिक में जूही चावला लगती है, आज तो भूल के रहूंगा, वो भी बिना मिर्ची खाए। भैया एफएम लगा देंगे। आज फिर यूं मिले हम और आंखों ही आंखों में बात हो गई। कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, अचानक से जिंदगी से मुलाकात हो गई। एक यही बंदा है जो मुझे होप दे रहा है लाइफ में। नर्वस तो अभी भी है, चलो मैं ही कुछ बात कर लेती हूँ। हाय। हाय। अबे हंस क्यों रहा है, बात करना। फेवरेट पोएट पूछ लूं? गुलजार साहब या बशीर बत्र? रांझना या मसान? सिंगल या कमिटेड? पागल है क्या, रैपिड फायर राउंड थोड़ी ना खेलेगा। वैसे कुछ भी कहो, साथ में बैठ के फील तो आ रही है। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। सर आपको ये हकलाने की बीमारी बचपन से है क्या? भैया आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, हर चीज आपको जानने की चुल है। मैम गुस्सा क्यों हो रहे हो, सर का कॉन्फिडेंस तो बूस्ट कर रहा हूँ। पूरा टाइम आपको शीशे में देखते रहते हैं, बोलते कुछ है नहीं। क्या मतलब शीशे में देखता रहता हूँ? कुछ भी, जो बात 2 दिन में हो सकती है ना
वो बात बोलने के लिए 2 साल लगा देंगे। गाड़ी रोको। सॉरी सर, गुस्सा क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, गाड़ी रोको, मेरा स्टॉप आ गया। अरे नहीं आया सर, मेरे को पता है सर, रुक जाओ ना थोड़ा सा। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। उर्वी, LSR, लव्स पोएट्री, सिंगल है यार। हे, हम कैब में मिले थे, डू यू रिमेम्बर? 2 बार मिलके भी बात नहीं हुई, ऑफ कोर्स याद रहेगा। फेस टू फेस करने में डर लगता है ना। और टेक्स्ट पे? यहाँ हकलाता नहीं हूँ ना। मतलब मुझसे सिर्फ टेक्स्ट पे ही बात करोगे? नहीं नहीं, इतना भी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी दिन कॉफी पे। श्योर। ओह शिट 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 शिट, मैंने हाँ क्यों बोला? अबे यार, बोलते बोलते अटक गया ना उसके सामने, फिर कभी लाइफ में बात नहीं करेगी। डर लग रहा है यार कि तुम भी यू डिजर्व समवन बेटर बोल के चली ना जाओ लाइफ से, इसलिए तो ट्रांसलेटर ले आया। चलें? ऐसे कैसे चलें? थोड़ा रुक के चलना है। हाँ, अरे क्या नानी के घर आए, रुक के चलना है भाई साहब। और रुके ना तो इसी छत से किसी और के साथ हांड पे देखना पड़ेगा उनको। फटती है ना यार, अभी फट रही है। फटेगी तब जब कोई विकेट सनी आपकी रानी को चुरा के ले जाएगा, ठीक है? तब फटेगी आपकी। ऐसा एंड में रानी ना सिर्फ समीर को ही मिलती है। अरे क्योंकि राइटर लिख देते हैं वो, भगवान इतनी अच्छी किस्मत लिख के किसी को नहीं भेजते, ठीक है भैया जी? और सुनो, उनकी शक्ल देख के नहीं लगता कि उनके पास बॉयफ्रेंड की कोई कमी होगी, तो जाइए एफर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? अरे दोस्त बन जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे, हाँ फ्रेंड जोन हो जाओगे, जो भी होगे। भाई साहब दिन में 5 कैब कैंसिल होती है मेरी, अब क्या कैब चलाना बंद कर दूँ? तुम ट्रांसलेटर ले आए? यार उर्वी तुम्हें पता है ना? हाँ तो? यार मुझे लगा एक्सप्रेस करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो किसी की ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है भैया, आपका हो गया, आप प्लीज जाइए। मैम जबरदस्ती लेके आए मेरे को, ये 3-3 बुकिंग छोड़ के आया हूँ कप असेट अब ऑर्डर की। 1500 हो गए मेरे। सॉरी यार उर्वी, मुझे सच में लगा कि मैं सिचुएशन को ऑकवर्ड ना कर दूं। हाँ ऑकवर्ड का तो पता नहीं फनी जरूर हो जाता। पहले तुम उन्हें समझाते, फिर वो मुझे तुम्हारी बात समझाते, इतनी देर में तुम्हें वैसे ही समझ जाती। गौरव देखो, मुझे पता है तुम स्टैमर करते हो और उसकी वजह से तुम कभी कभी नर्वस भी हो जाते हो, पर इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। थैंक्स यार, इट्स सच अ, ये बार बार थैंक्स बोलना बंद करो। हर बार मैं थैंक्स, मैं तुम पे कोई फेवर थोड़ी ना कर रही हूँ। आई हैव कम हियर बिकॉज आई जेन्युइनली वॉन्ट टू नो यू एज अ पर्सन। तुम्हें पता मेरा एक भी दोस्त नहीं है जिसको किसी हिंदी पोएट का नाम भी पता। दुनिया में हिंदी पोम्स को सुनने वाले बहुत कम रहे। तो इसी बात पे अर्ज है। इरशाद, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी एक मुलाकात की। बशीर बद्र है ना? हाँ। और तुमने नोटिस किया, तुम एक बार भी नहीं अटके। मुझे तो लगता है तुम्हें ना ऐसे गाते गाते बात करना चाहिए पोएम्स में। वो तो याद थी तो फ्लो फ्लो में निकल गई।
तुम कुछ सुनाओ ना। नहीं, आज तुम बोलोगे और मैं सुनूंगी। तो सुनाओ। तो मानसून की वो पहली बारिश है जिसमें भीगने की मेरी रब से गुजारिश है। बाहें फैलाए आसमां में देखता हूँ, तुझमें भीग कर मैं तुझसा महकता हूँ। दिल का हर दर्द अब उड़ता धुआं है जब से बारिश बनकर तूने मुझको छुआ। पर क्यों सुनकर भी मुझको यूं अनजाना रुख मोड़ लेती है, मुझमें सिमटने के बाद भी मुझे क्यों तड़पता छोड़ देती है। Hey guys, we hope you like this video, and if you did, do not forget to like, share and comment in the section below and let us know what you think. And download the Happen app to find the people you have crossed path with, and don't forget to subscribe to All Right and Be All Right.